नमस्कार बंधु, ये आपके इतने लोगों का भीड़ यहाँ पे किस उद्देश्य से? देखिए, ये भीड़ छात्रों के ऊपर तानाशाही रवैया से फीस थोपा जा रहा है। 243% फीस बढ़ा के थोप दिया गया है और इनका कहना ये है कि ये फीस वृद्धि आज से एक साल पहले हुई है, जबकि ये छात्रों को सूचित ही नहीं किया गया है। अच्छा। जब हम अपने डिपार्टमेंट गए वहाँ भी बोला गया नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हॉस्टल में पूछ रहे हैं नहीं। यहाँ तक कि जो पुराना फीस था उसको हमने फीस जमा करके और यहाँ पर हमने अपना डोजियर भी जमा किया और प्रशासन ने उसको एक्सेप्ट किया। अब जब हम नोट ड्यूज कराने जा रहे हैं तो प्रशासन कह रहा है कि 10,000 रुपये लाओ तब हम नो ड्यूज करेंगे। अब एक आम छात्र BHU में क्यों पढ़ने आता है? मेरा जैसा छात्र जो मैं जिस कोर्स में हूँ उस कोर्स में मैं ऑल इंडिया डोमेन सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक पे था। मैं दिल्ली इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं दिल्ली को नहीं सर्वाइव कर सकता था। मैं मदन मोहन मालवीय जी की बगिया में इसलिए आया क्योंकि यहाँ फीस और रहन सहन ये था कि हम लोग यहाँ सर्वाइव कर सकते थे। आज हमारे ऊपर इतना महंगा फीस थोप दिया गया, हम कहाँ जाएंगे? और हम सुनने वाला कोई नहीं। पहले कितनी थी? पहले फीस 1180 रुपये थी सालाना, जो हम थर्ड सेमेस्टर में जमा करते थे और हमारा फाइनल होता था। अब हमारा फीस कर दिया गया 2875 रुपया सेमेस्टर वाइज। हम सबसे पहले जमा करेंगे 4875 रुपये, उसके बाद से सेकेंड सेमेस्टर में 2875, थर्ड में 2875, फोर्थ में 2875। इस तरीके से हम लगभग 15-16,000 रुपये फीस जमा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन है उसको ये निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है और ये पूरे तरीके से तानाशाही रवैया है। एक तो यहाँ छात्रों का कोई समूह नहीं है, कोई सुनवाई का केंद्र नहीं है। DSW बनाया गया, DSW कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में। आप लोग का भी स्टूडेंट यूनियन की भी डिमांड रखी है? बिल्कुल, आज हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर आज स्टूडेंट यूनियन होता तो इस गर्मी में हम लोग को यहाँ नहीं बैठना पड़ता। धरना शुरू करते ही सबसे पहले जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बोलते हैं कि आप लोग बैठिए 2 मिनट, कुछ ना कुछ बहुत जल्दी आपका इंतजाम हो जाएगा। ऐसी धमकियां दी जाती हैं, कहते हैं कि प्रशासन बहुत सख्त है। प्रशासन का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस यूनिवर्सिटी के मामलों में देखने को मिलता है। और जब हम लोग कोर्स में इसमें इनरोल्ड हुए थे 2224 में, तो उसमें CC व्यवस्था करती थी, NEP लागू नहीं था। तो ये NEP वाला जो भी व्यवस्था आया, थोड़ा निजीकरण को प्रमोट किया जा रहा है, तो वो व्यवस्था हम लोग के फोर्स NEP तो इस सत्र के बाद लगेगा ना? तो इस इसी सत्र बाद, लेकिन हम तो वो इम्पोज किया, ये हमारा सेकेंड ईयर है, तो जो न्यू इनरोल्ड होंगे उन पर लगना चाहिए। आप आओ, क्या कहना चाहोगी? मतलब जो स्थितियाँ हैं, स्थिति यही है कि हम लोग अभी सेकेंड ईयर में आने के बाद हम लोगों पे फीस जो बढ़ाया जा रहा है, और ये 3 सेमेस्टर का हम लोगों से 10,000 रुपये लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं जोड़ते। किस ईयर में ये सारे के सारे लोग? सेकेंड ईयर में हो? हाँ, सेकेंड ईयर में है। और जो यूनिवर्सिटी का रूल है, तो अगर कभी फीस बढ़ती है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से अप्लाई किया जाता है, लेकिन हमारे पे ये जो हो रहा है वो बीच मिड सेमेस्टर में आके ये सब अप्लाई किया जा रहा है। ये गलत है। और क्या क्या डिमांड है इन लोगों को? यही डिमांड है कि जो ये फीस है वो इतना नहीं बढ़ाया जाए और हम लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाए। चलो, आप देख सकते हो ये ठीक चौराहे पर इतने बच्चे और प्रशासन के भी कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो सारे के सारे बच्चे जो हैं, देखिए।